ठीक क्यों नहीं है? मुझे स्ट्रेस किस बात का हो रहा है? देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। मेरी लाइफ में एक इतनी बड़ी आजकल परेशानी चल रही है जिसकी वजह से मुझे इतना बस इतना भी नहीं, एक तो मतलब मैं बच्ची, अगर रोटी बनानी आती तो शादी नहीं करते। अगर रोटी बनानी आती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम गिरीश व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ क्या? हूँ। तो क्या बोलते हैं, अभी क्या है, मॉर्निंग रूटीन सारा कंप्लीट करके अपना झाड़ू पोछा जो भी मॉर्निंग का काम, पीछे से घंटी की जो आवाज़ आ रही है ना, वो मतलब मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं अभी, तो उसकी है। और अभी मैं नाश्ता नहा कर आई हूँ, अपना फ्रेशन अप होके अच्छी तरह से सारा काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और जल्दी जल्दी से बनाती हूँ नाश्ता। आधा काम हो गया है नाश्ता बनाने का, पूरा काम बाकी अब मैं करती हूँ। अभी ना पूछती हूँ उनसे कि अभी ये क्या खाना पसंद करेंगे, उसी हिसाब से मैं दिन मॉर्निंग का खाना बनाती हूँ। आज ना नाश्ते में बनाई है अंडे की भुर्जी, जो मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। बट ये वाली ना आजकल इनको कम पसंद आ रही है, इनको आजकल बॉईल करके एक दूसरे ट्विस्ट तरीके से मैं बनाती हूँ, वो पसंद आ रही है। और तो मैं, हम लोग अब ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। ये मेरी प्लेट लग गई, ये इनकी प्लेट लग गई, रोटियां रख चुकी हूँ मैं। हम चले, कहाँ चले हम? नाश्ता करने। यस, नाश्ता करने, नाश्ता करने। इनका गाना। हे गाइस, आपको एक चीज दिखाऊं, आजकल मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं है? मुझे स्ट्रेस किस बात का हो रहा है? देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। मेरी लाइफ में एक इतनी बड़ी आजकल परेशानी चल रही है जिसकी वजह से मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है। और वो चीज़ है, ये मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आप ये देखो मेरे हाथ पे ना, मैंने सिर्फ कंघी की है अभी थोड़ी सी, बालों में कंघी की हेयर फॉल, मतलब बाल कंघी किए तो मेरे बाल, इतने सारे बाल मेरे एक ही साथ में निकल के आ रहे हैं। तो अब मुझे स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मुझे ना बिग पहननी पड़ेगी। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इतने सारा है, अब बताइए मैं क्या करूँ? प्लीज़, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि जिससे हेयरफॉल रुके, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। अदरवाइज मैंने तो इससे गिव अप कर दिया है कि हेयरफॉल रुकेगा या ना, इससे मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, पता नहीं क्या ही होगा। तो फिर अभी हो गया है दिन का टाइम, तो मुझे भी दिन का खाना बनाना है। और आज कल पता है क्या हुआ था, आपने देखा था कि प्रज्ञा मेरे लिए दाल आई थी, तो फिर आज मैंने उसे बोला कि आज तुम मत बनाना, आज तुम्हें दाल मैं दूंगी। तो मैंने आज बनाए हैं छोले, जो मैं ऑलरेडी मैंने दिन का खाना बना दिया है। और मैं प्रज्ञा के यहाँ भी देख के आ चुकी हूँ, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो ही शूट नहीं किया, बट कोई नहीं। और अभी क्या है ना, मैंने छोले भी बना दिए, राइस भी बना दिए, सैलेड भी कट करके रख दिया, अपना सारा काम मैं कट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे ये वाली मूवी आई है टॉयलेट, एक प्रेम कथा, तो मैं इसे देख रही हूँ और अपने भटजी के आने का वेट कर रही हूँ। देखते हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी तो वैसे टाइम सिर्फ 12:40 हुआ है और वो 1 बजे के बाद ही आते हैं, तो उसका वेट, उनका वेट करते हैं। आज तो खड़े ही नहीं है। छुपे होंगे, देखना मैं यहाँ छुपूंगी। क्या है, मतलब बच्चों की तरह छुप रहे हो? ये देखो, ये इतना भी नहीं, एक मतलब तो मैं बच्ची, एक और ये भी बच्चे, हम दोनों बच्चे, इन्हें पता ही नहीं है मैं बीबी के पीछे छुप रहे हैं ऐसे करके। नहीं दिखे क्यों, मतलब पीछे छुपे थे, मैं तो सीधे वहां चले गए, लक्की भी ऐसे करता था। देखो ये पानी ठंडा ठंडा नॉर्मल वाटर, बैठ के पियो। गाइस गुड इवनिंग, तो शाम का टाइम तो हो चुका है, हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं, बट और वो दूध भी आ जल्दी लेके आ गए, क्योंकि दूध वाले भैया जल्दी आ गए थे। अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं और इवन मुझे भी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं उसमें आलू टमाटर मिक्स करके बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, आलू सब्जी कटिंग कर दी, छौंकना बाकी रह गया है, तो मैं जल्दी से ना सब्जी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने सब्जी बना ली है, आटा गूंथ के रख दिया है, सब काम कर लिया है, सिर्फ रोटियाँ बनानी बाकी हैं। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई है। पहले मेरे हस्बैंड अकेले जा रहे थे, फिर उन्होंने बोला यार अकेले जाने से अच्छा तुम भी साथ चलो, तो मेरा काम भी कुछ नहीं था, तो हम दोनों जा रहे हैं। अभी जाते हैं, थोड़ा सा सामान ले आते, क्योंकि
मैं जाती हूँ तो थोड़ा फ्रेश सब्जियाँ आ जाती हैं, अदरवाइज फिर ये तो लाते अच्छी ये भी सब्जियाँ हैं बट उतने अच्छे से देख देख के नहीं लाते, है ना भट जी? अच्छी सब्जी कौन लाता है? मैं आप नहीं। आप लाते हो नहीं। जो पिछले है आप तो अभी हम जा रहे हैं सब्जियाँ लेने के लिए, ये आ जाए ठीक है चलते हैं। और एक तो मेरा मन इसलिए भी कर गया कि हाँ चलो चलता है, क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है आज। यहाँ बारिश तो नहीं है, हो रही है हमारे, मतलब मैंने अपने घर में फ़ोन किया ना तो बारिश वगैरह हो रही है 4-5 दिन से लगातार, लेकिन यहाँ बारिश नहीं है। परसों शाम के टाइम पे हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, आप देखते हैं क्या पता, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। चले हम दोनों भाई, बाहर तो हवा बड़ी अच्छी चल रही है। तो हम लोग ना अभी मार्केट से जस्ट आए हैं और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं अभी रोटियां सेकूं। भट जी आपको रोटी बनाने आती है? रोटी बनाने आती तो मैं शादी करता। अगर रोटी बनाने आती तो शादी नहीं करते? तो अगर रोटी बनाने आती तो शादी करते? बताओ सच्ची बताओ। गाइज तो फिर इन्होंने तो साफ साफ हाथ खड़े कर दिए कि मेरे को रोटी बनानी आती तो मैं शादी क्यों करता। तो मैं तो जाती हूँ, उससे पहले हम ये सामान लेके आए, सब्जियाँ हैं इसमें और इसमें ना एक स्पेशल चीज़ भी है, दिखाऊँ? ये मैं आज अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए इंदुलेखा लेके आई हूँ। हाँ तो मेरे इतना हेयर फॉल और मुझे स्ट्रेस है, तो आई होप ये थोड़ा काम कर जाए। मुझे ये मेरी जेठानी ने सजेस्ट किया कि तुम भी यूज़ करो, मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ, तो आई होप भाभी की ये बूटी काम कर जाए। और मैं आज एक स्पेशल चीज़ और लाई हूँ, पता नहीं वो मेरे हस्बैंड ने कहाँ रख दिया। मैं लाई हूँ सीजन के पहले मैंगोस, तो देखते हैं वो मीठे होते हैं नहीं होते, क्योंकि मैंगो तो मेरे फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की भी। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ किचन की तरफ, मुझे बनानी है रोटियाँ बना के डिनर वगैरह करके फिर मैं आपको। फिर दही जमा दी है क्योंकि दूध बहुत बच गया था, तो मैंने उसकी दही जमा दी। जब भी दूध बचता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ कर ही देती हूँ, अदरवाइज अगर दही नहीं होती है तो दही जमा देती हूँ। मैंने इसे जमा दिया है, अब मैं इसे छलनी से ढक के रख दूंगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है खाना भी खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं। गाइस तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें ऐसे ही बनाए रखें, देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।